long lost bro, can you squeeze his stinking sister to death or what? Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. पिछले साल से हम लोग ये सुन रहे थे कि इवान पीटर्स का कैमियो हो सकता है वांडा विजन में, और कुछ ही टाइम में हमें ये भी रूमर्स मिलना शुरू हो गए थे कि इवान पीटर्स हमें एक बार फिर से क्विक सिल्वर प्ले करते हुए देख सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू वांडा विजन एपिसोड 5, हमने फाइनली इवान पीटर्स को अपना एमसीयू डेब्यू करते हुए देखा एज अ रीकास्ट ऑफ पियट्रो मैक्सिमोफ। फैंस इस मोमेंट को देखकर बहुत एक्साइटेड भी थे और बहुत कंफ्यूज्ड भी। आधी पब्लिक ये बोल रही थी कि क्योंकि वांडा विजन डायरेक्टली कनेक्टेड डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के साथ, तो ये एक्चुअली फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स का पियट्रो मैक्सिमोफ है, जिसे इस यूनिवर्स बुलाकर पियट्रो मैक्सिमोफ का रोल दिया गया है वांडाविजन के सिटकॉम में। बाकी लोग ये बोल रहे थे कि इवान पीटर्स इंडीड पियट्रो का ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और मार्वल की तरफ से ये बस एक कूल ईस्टर एग स्लैश रेफरेंस था और इसके अलावा कुछ भी नहीं। देन जब हमने पियट्रो को एक पूरे एपिसोड में देखा और उसके पर्सनैलिटी और एक्शन को नोटिस किया, तब बहुत सारे फैंस ने यह बात ऑब्जर्व की कि यह पियट्रो ना तो एरन टेलर जॉनसन के पियट्रो की पर्सनैलिटी को मैच करता था और ना ही यह पियट्रो एक्समैन यूनिवर्स के क्विक सिल्वर से मैच करता था। ऑल्सो इवान पीटर्स के पियट्रो को अपनी डेथ के बाद के सारे इवेंट्स के बारे में भी पता था, तो इन सब चीजों के बाद फैंस का कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था और लोग पूछ रहे थे मार्वल से कि भाई हमें इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे, और फाइनली मार्वल ने जवाब दिया। वांडाविजन के एपिसोड 8 में हमने देखा कि इवान पीटर्स का पियट्रो एगाथा हार्कनेस के मैजिक का हिस्सा था। एगाथा ने वांडा से कहा कि मुझे तुम्हारे असली भाई की बॉडी नहीं मिल सकती थी, तो इसलिए मैंने अपने पोजेशन स्पेल की मदद से एक फेक पियट्रो क्रिएट किया, बोले तो पियट्रो। और एगाथा ये बात भी मेंशन करती है कि अपने भाई की मौत के बाद बहुत ज्यादा सैड थी, इसलिए उसने जब पियट्रो के इस नए वर्जन को देखा तो उसने कोई खास रिएक्ट नहीं किया। वांडा अपने भाई से दोबारा मिलकर बस कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी और इसीलिए वो पियट्रो के नए चेहरे और उसकी पर्सनालिटी पर ज्यादा परेशान नहीं थी। अब एगाथा के चीजों पर रोशनी डालने के बाद बहुत लोग ज्यादा कन्विंस हैं कि इवान पीटर्स जस्ट एक कैमियो रोल में थे और वो एक्चुअली एक्समैन यूनिवर्स के पीटर मैक्सिमोफ का रोल नहीं कर रहे। बट अगर हम बात करें सरप्राइजेस की, तो अभी फाइनल एपिसोड बाकी है और फाइनल एपिसोड में बहुत बड़े बड़े रिवील्स हो सकते हैं। जैसे एक लीक के अकॉर्डिंग वांडा विजन के लास्ट एपिसोड में हमें एक फाइट सीन देखने को मिलेगा अपने रियल विजन और सोर्ड के वाइट विजन के बीच। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं पियट्रो की, तो एक और लीक ने यह सजेस्ट किया है कि विजन लास्ट एपिसोड में पियट्रो की मेमोरीज रिस्टोर करेगा और तब कुछ एक्साइटिंग हो सकता है। तो अभी अगर मैं बात करूं अपनी थियरी और रूमर्स की, तो इवान पीटर्स अभी भी फॉक्स यूनिवर्स का क्विक सिल्वर हो सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, जब एवन हमें पहली बार इस सीरीज में दिखे थे, तो हर कोई यही कह रहा था कि इवान पीटर्स आगे चल के मेफिस्टो या नाइटमेयर का रोल प्ले करेंगे, और पहले मैं भी यही चाहता था। बट एवन को क्विक सिल्वर प्ले करते देख जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग मिली है, आई एम श्योर कि कोई भी फैन इस फीलिंग को खराब नहीं होने देना चाहेगा। और इसके साथ अगर ये वाला कार्ड खेलता है मार्वल, तो मार्वल के पास एक चांस होगा अपने मल्टीवर्स को और भी ज्यादा एक्सपैंड करने का, और अगर ये ना हुआ तो भाई बहुत सारे फैंस डिसअपॉइंट होने वाले हैं। तो ये थी मेरी क्विक सिल्वर की कैरेक्टर आर्क वीडियो। मैं अभी भी कन्विंस्ड हूँ कि ये क्विक सिल्वर एक्समैन मूवीज का ही है। खैर, आपको क्या लगता है आप मुझे जरूर बताना। मैं आपसे मिलूंगा एक और वांडा विजन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज। म्यूजिक।